फ्रेंड्स, क्या आप अपने टोकन से पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हो? दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। क्योंकि जब साइडवेज मार्केट होता है या बेयर मार्केट होता है या नॉर्मल मार्केट भी है, तो उसके अंदर भी यू हैव टू लुक फॉर दी अपॉर्चुनिटीज कि कैसे मैं अपने टोकन को स्टेक कर सकता हूँ, या किसी तरीके से नो यू हैव टू पुट योर टोकन्स एट वर्क कि उससे कुछ पैसिव इनकम, मतलब कैश फ्लो इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ 2019 की बात, जब पूरा मार्केट जो था एक साइडवेज था, मतलब कुछ भी नहीं होता था, एक लेवल्स था BTC का, उसके ऊपर जाता नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था उस टाइम, कुछ भी नहीं होता था मार्केट में लिटरली। उस टाइम मैं टेजोस में इन्वेस्टेड था काफ़ी ज़्यादा, और मेरे को टेजोस ने बचाया भी था उस साइडवेज मार्केट में। टेजोस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, अगर आप 2019 में जाओ तो टेजोस और काइबर, इन टोकन्स में था मैं फॉर्चुनेटली, और इन टोकन्स ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मैं लिक्विड स्टेकिंग है टेजोस का, LPOS प्रूफ ऑफ स्टेक है, तो टेजोस से मैं काफ़ी अच्छा अर्निंग करता था। उस टाइम क्या था कि हर महीने मैं टेजोस के रिवॉर्ड को बेच के और मेरे घर की जो ग्रॉसरी थी, मतलब जो डे टू डे एक्सपेंस है, उसको मैं अपने स्टेकिंग से निकालता था, और इस चीज़ ने मेरे को बहुत हेल्प करी कि उस पीरियड को मैंने सर्वाइव किया, मतलब उस टाइम मैंने काटा। तो यू हैव टू थिंक इन दैट डायरेक्शन कि अगर 1 साल 2 साल, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप हो इस मार्केट में। एनीवे, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ये जो अगला डेकेड है वो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का है, तो यू हैव टू स्टे इन द गेम, गेम में रहना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है ये 50 ट्रिलियन का मार्केट होगा इन लॉन्ग रन, इवन 100 ट्रिलियन का भी ये मार्केट हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा टोकनाइजेशन होगा, मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, बैंकिंग, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, क्लाउड स्टोरेज, मतलब जो भी आप Web 2 में है, सारी चीज़ें Web 3 में आ रही है, और जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करेंगे आने वाले टाइम में, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपको अपने टोकन्स को स्टेक करना ज़रूरी है, स्टेक करो या आप नोड रन करो, वैलिडेटर बनो, कुछ भी करो, मतलब जिस टोकन में भी आप इन्वेस्टेड हो उसमें आप देखो कि क्या वो तरीके हैं कि उसके उससे आप उस टोकन से कुछ अर्न कर सको, क्योंकि इससे आपका ना कैश फ्लो इंटैक्ट रहेगा, और उस पैसे से आप अपना डे टू डे एक्सपेंस मीट कर सकते हो, आपको री इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचो। मेरे पोर्टफोलियो में जो भी टोकन्स हैं, मोस्टली अभी मैं स्टेकिंग ही कर रहा हूँ, कुछ टोकन्स हैं जिनमें मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बट नाउ आई हैव टू थिंक कि उसको क्या करना है। काइलिन ने आज से स्टेकिंग शुरू कर दी है, तो काइलिन के अंदर आई थिंक 50% का APR है, तो वहाँ पे मैं स्टेकिंग करूँगा। पॉकेट नेटवर्क का मैंने नोड स्टार्ट कर दिया है, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं नोड रन कर रहा हूँ, बट मैंने ना डेलीगेट किया है अपना नोड किसी को, मैं एक्चुअली आई हायर्ड समवन टू रन ऑन माई बिहाफ, तो उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। वहाँ पर काफ़ी लुक्रेटिव जो है वो स्टेकिंग रिवॉर्ड है अगर आप नोड रन करते हो तो। DYDX में मैं स्टेक कर रहा हूँ 20% के आसपास, DYDX में रिटर्न है जो कि बहुत अच्छा है। ACA जो टोकन है एकाला, वो भी स्टेकिंग लेके आ रहा है नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, तो वहाँ भी मैं करूँगा। ETH को अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, बट देर आर मेनी वेज कि मैं ETH को लेवरेज कर सकूँ स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए। लाइडो है, रॉकेट पूल है, रॉकेट पूल भी बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करूंगा। बट आपको मतलब बॉटम लाइन ये है कि आपको चेक करना है कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सको। बहुत ज़रूरी है पैसिव इनकम, और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज के जितने भी टोकन्स हैं उनमें ना इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, वेस्टिंग उनकी होती है, चाहे एनुअल इन्फ्लेशन होता है, तो उससे क्या होता है कि आप ना इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते टोकन के। तो जब तक आप नेटवर्क में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तब तक आप जो है आपकी वैल्यू कम हो रही है, मतलब जैसे इन्फ्लेशन काम करता है, जैसे मान लो अगर 7% का इन्फ्लेशन है और अगर आप 7% रिटर्न नहीं कमा रहे हो, तो 1 साल में आपका पैसा, अगर मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, अगर 1 साल में अगर आपने उससे जनरेट 7,000 रुपए नहीं किया, तो वो आपका 93,000 हो जाता है, यानी कि आपका 7% वैल्यू कम हो जाता है। सिमिलरली टोकन्स जो है उनकी वेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत कम है, और बहुत सारी सप्लाई जो है वो स्टेकिंग के थ्रू आ रही है, या आप नोड रन कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, जिस तरीके की भी वेस्टिंग, मतलब टोकन लगातार आ रहा है, तो आपको उसके एनुअल इन्फ्लेशन जितना कम से कम रिटर्न मिलना चाहिए, इसके लिए आपको यू हैव टू लुक फॉर दी ऑप्शंस। तो
ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप लोग पैसिव इनकम के बारे में सीरियसली सोचो। एकाला को भी मैं स्टेक कर लूंगा अभी जब भी स्टार्ट होगा, तो अभी तो हालांकि इसकी फार्मिंग चालू हुई है जो कि अगेन इम्परमानेंट लॉस का उसमें खतरा है। उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब मैं लैपटॉप ऑन करूंगा। पिछले 2-3 दिन से मैंने अपना लैपटॉप ही ऑन नहीं किया है क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, कुछ पर्सनल काम में मैं व्यस्त हूँ। तो एकाला पे फार्मिंग चल रही है, बट आई थिंक वी हैव टू सी द रिस्क कि कितना इम्परमानेंट लॉस है, कितना APR है, क्योंकि इम्परमानेंट लॉस में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर अगर आपको 100% से ज़्यादा का APR नहीं मिलता है तो आई डोंट थिंक कि आपको पेयर में जो है वो मतलब फार्मिंग करनी चाहिए। तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। पॉकेट पे तो मैं अभी 2-3 वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी कि कैसे करना है। पॉकेट में जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जिसके पास भी 15,000 से कम टोकन्स हैं वो पॉकेट पूल में जा सकते हैं जहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। उस पर भी APR बहुत अच्छा है, आई थिंक 250-300% का भी पॉकेट में APR है नोड रन करने का। तो एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दी कमिंग वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।